न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। कॉलोनी में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर कॉलोनी वासियों ने अवैध निर्माण का विरोध करते हुए उपजिला अधिकारी सहित कोतवाली प्रभारी को शिकायत पत्र देते हुए मामले से कराया अवगत। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर गुरसराय रोड पर स्थित भगवतीपुरम ब्लॉक ए में रहने वाली कुसुम, श्रीदेवी, सरोज, कल्पना, भारती, रश्मि आदि ने उपजिला अधिकारी एवं कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि जिस कॉलोनी में वह लोग निवास करते हैं वहां पर पार्किंग की जगह पहले से ही सुरक्षित है, तो वहीं पार्किंग की जगह पर मऊरानीपुर के कुछ दबंग किस्म के लोग वहां पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। इस संबंध में जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो वह महिलाओं के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें डराते धमकाते हैं। महिलाओं ने कहा है कि एक ओर जहां योगी सरकार अवैध कब्जेधारियों पर बुलडोजर चला रही है, कॉलोनी की पार्किंग की जगह पर यह दबंग किस्म के कुछ व्यक्ति जबरन कब्जा करना चाहते हैं जो कि प्रशासन की नीतियों के खिलाफ है। कॉलोनी वासी महिलाओं ने पुलिस व प्रशासन से अवैध निर्माण को लेकर रोके एवं हो चुके अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने की मांग की है। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भारती यादव। कहाँ के रहने वाली हो? रेवन की रहने वाले, भगवतीपुरम में मतलब मकान बना रखा भैया, इसका विरोध किया। इससे भी ये बोला काय का विरोध किया ये? कि ये इधर पार्किंग है, बच्चे वगैरह निकलते हैं सबके लिए, अगर ये बनाएंगे तो दूसरे भी बनाएंगे, कॉलोनी की शोभा खराब हो जाएगी, सबको दिक्कत होगी, इसलिए निवेदन है कि इस पर कार्रवाई की जाए और मतलब इसका रोका जाए। पुलिस से शिकायत तो की है? पुलिस से की, एप्लीकेशन दी थी। हाँ, आई देख के क्या कह रही है पुलिस? बोले के गई कि बनाएंगे तो आप बताना, हम इसका आप लोग चाहते हो उसको चाहते कि रोका जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोशनी है। कहाँ के रहने वाली हो? हमें दरी भगवतीपुरम मऊरानीपुर। क्या समस्या है जी? कॉलोनी, हम सब कॉलोनी वाले हैं, इधर पे जो लोग खुलवा रहे हैं, जो अब कब्जा कर रहे हैं, तो हम सब लोगों ने मिलकर उनसे बोला कि अच्छा। आप जी मत बनाओ, और सार्वजनिक पार्क है, सब बच्चे खेलते हैं, मतलब सार्वजनिक पार्क बना। हाँ, तो उनने बोला कि तुम लोग तो आए घर पे, हम पुलिस भेजेंगे, गुंडे भेजेंगे, मारेंगे, और धक्का दे दिया हमें, मम्मी को गालियाँ दी, और पुरानी मऊ के गुंडे भेजेंगे अपने दुनिया भरे का, उनने धमकी धमकी दी, तो हम लोग पुलिस के पास गए, पुलिस को एप्लीकेशन दी, और उनने बोला है कि कार्रवाई होगी अभी। तो कौन लोग हैं ये लोग? जी पुरवार हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? जी मऊरानीपुर। अवैध कब्जा कर रहे हैं? हाँ, अवैध कब्जा कर रहे हैं, कलर कर लिए इनने, और हस्बैंड वाइफ दोनों गालियाँ दे रहे हैं, और जाति को लेके गालियाँ दी, मारा है, धक्का मुक्की करी, और बोला बहुत नेता नगरी होगी अभी, समझ में आ जाएगी तुम लोग। पुलिस से शिकायत कर दी ना? हाँ, एप्लीकेशन दिया है। राजीव, क्या नाम है आपका? कल्पना तिवारी। कहाँ के रहने वाली हो? हम लोग छिरौरा के रहने वाले हैं, लेकिन भगवतीपुरम में अभी हॉल निवास से उधर ही रहते हैं। भगवतीपुरम में क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ये पार्किंग की जगह है, इधर पे हाँ अतिक्रमण हो रहा है इधर। अच्छा, कौन कर रहा है? ये पुरवार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग परमट चौराहा के रहने वाले हैं। परमट चौराहा के रहने वाले। तो अवैध कब्जे कर रहे हैं? यस। आपने पुलिस से शिकायत की? हाँ, कर दी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर लाइव न्यूज़ चैनल, खबर आपके लिए।